नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश गैजेट्स इन टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं टेक अपडेट नंबर 13 और मैं आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट लेके आऊं। दोस्तों कुछ यहां पे सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन को लेके है, कुछ यहां पे शाओमी की तरफ से है, कुछ यहां पे मोटोरोला के स्मार्टफोन को लेके है और कुछ यहां पे फेसबुक की तरफ से है। दोस्तों तो आप देखते रहो मेरे साथ में इस वीडियो को, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। पहला जो अपडेट यहाँ पे सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन को लेके है, और आप सबको मालूम है कि यहाँ पे सैमसंग के जो M सीरीज है उसका एक फोन बचा हुआ था दोस्तों, जो था यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M30, जिसकी बहुत टाइम से लीक सामने आ रही थी। बताया जा रहा था ये फोन भी लॉन्च होगा, सैमसंग गैलेक्सी M10, M20 और M30 मतलब एक साथ लॉन्च होंगे, लेकिन दो फोन एक साथ लॉन्च हुए और ये फोन जो है बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, जो कि यहाँ पे 5000 mAh बैटरी के साथ में आएगा। थोड़ा सा हाई एंड का स्मार्टफोन ये होगा, इसमें आपको बैटरी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, प्रोसेसर भी अच्छा मिलने वाला है, कैमरे इसमें होने वाले हैं बैक साइड में 3, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे जो 5000 mAh की बैटरी है ना, वो काफ़ी कमाल की होने वाली है इस फ़ोन पे। बाकी यहाँ पे रियर पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है, और यहाँ पे जो चिप आपको मिलेगी एक्सोनॉस 7904 चिप का आपको सपोर्ट मिलेगा। 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज का वेरियंट आपको देखने को मिलेगा इस सैमसंग गैलेक्सी M30 का। बाकी यहाँ पे जो ट्रिपल रियर कैमरा होंगे, देखते हैं क्या पता वो भी 48 वाले ही ना हो दोस्तों। बाकी यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे नॉच डिज़ाइन के साथ में ही आएगा, वी नॉच आपको मिल रही है इस स्मार्टफोन पे। तो देखते हैं कि क्या होता है इसका प्राइस। बताया जा रहा है कि 15000 रुपये से भी नीचे के बजट में कहीं ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है इंडियन मार्केट में, और इसी महीने ये लॉन्च हो सकता है। मुझे लगता है कि सीधी टक्कर होने वाली इसकी Xiaomi Redmi Note 7 के साथ में। देखते हैं कि कब ये लॉन्च होता है और क्या होती है इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग। अगला जो अपडेट है यहाँ पे फेसबुक के फाइंस को लेके है, और आप सबको मालूम है कि फेसबुक तरह तरह की चीज़ों में फंस रहा है दोस्तों काफ़ी टाइम से, मतलब जब से यहाँ पे कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला जो लीक सामने आया ना, उसके बाद से फेसबुक की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और अभी यहाँ पे फेडरल ट्रेड कमीशन ने इस पे फाइन ठोकने की तैयारी कर दी है, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा फाइन हो सकता है। और बताया जा रहा है कि ये जो फाइन होगा बिलियंस डॉलर में होगा, और अभी तक की किसी भी टेक कंपनीज पे इतना बड़ा फाइन नहीं पड़ा है, मतलब यूज़र की प्रिवेसी को लेके ये पूरा ही फाइन पड़ रहा है, और जितनी भी गलतियां फेसबुक ने करी है ना, उसका भुगतान उसको करना पड़ेगा इस फाइन की मदद से। हालांकि इसमें एक बात और सामने आ रही है कि ये जो फाइन पड़ने वाला है, इसमें थोड़ा सा नेगोशिएशन भी अभी तक चल रहा है दोस्तों। देखते हैं कि एक्चुअल में वो फाइन कितना होता है और कब फेसबुक पे पड़ता है दोस्तों। अगला अपडेट यहाँ पे मोटोरोला के स्मार्टफोन को लेके है, मोटोरोला मोटो Z7 Power, और ये फ़ोन इंडियन मार्केट में आज आपको सेल के लिए देखने को मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन रिटेलर्स पे ये फ़ोन आपको मिलेगा देखने को। इस फ़ोन पे बैटरी सबसे कमाल की है, 5000 mAh की बैटरी है, HD+ डिस्प्ले है, नॉच डिज़ाइन वाला इस पे आपको मिलता है डिस्प्ले। और अगर हम बात करते हैं कुछ और फीचर की, तो 6.2 inches का इसका डिस्प्ले है दोस्तों। बाकी यहाँ पे एंड्रॉयड पाई का आपको सपोर्ट मिल रहा है, और HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आता है। बात करें अगर इसकी सेल की, तो यहाँ पे दोस्तों जो सेल शुरू हो रही है वो हो रही है, जो प्राइसिंग है इस स्मार्टफोन की 13,999 रुपीज़। तो प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई कंपनी ने, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में आप देखोगे ना 13,999 रुपीज़ में बहुत सारे स्मार्टफोन हैं जो कि काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि Realme U1 हो गया, Realme 2 Pro हो गया, यहाँ पे Samsung Galaxy M20 हो गया, और भी फ़ोन आने वाले हैं जो कि इस प्राइस में है और काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अगला जो अपडेट है Xiaomi Redmi Note 7 को लेके है, और बहुत टाइम से फ़ोन भैया लीक में चल रहा है कि अब इसकी लॉन्चिंग होगी इंडियन मार्केट में, तब होगी, कोई बोल रहा है मार्च फरवरी, लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे Xiaomi ने ऑफिशियली बता दिया कि ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में 28 फरवरी को लॉन्च हो जाएगा, मतलब मंथ एंड में कंपनी इसको लॉन्च कर रही है। ये मतलब मुझे लगता है कि यूज़र का जितना इंटरेस्ट था ना इस स्मार्टफोन को लेके, तो इसीलिए कंपनी इसको फेब के एंड तक लॉन्च कर रही है, अदरवाइज़ इसको मार्च में लॉन्च करने की तैयारी थी, लेकिन अभी कंपनी ने फाइनली प्लान कर दिया इसको फेब 28 को लॉन्च करने की। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और सामने आ रही है, जो इसकी प्राइसिंग होने वाली है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होने वाली है। बताया जा रहा है कि जो बेस वेरियंट का प्राइस होगा ना, वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होगा। देखते हैं कि वो रियली 10,000 रुपये होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है, कोई बोल रहा है कि 10,000 से नीचे हो सकता है। आप ज़रूर गैस करना नीचे कॉमेंट में कि क्या हो सकता है इस Xiaomi Redmi Note 7 का प्राइस, और आप क्या गेस करते हो कि यहाँ पे Xiaomi Redmi Note 7 Pro भी लॉन्च होगा या फिर सिंगल वेरिएंट इसका लॉन्च होने वाला है Xiaomi Redmi Note 7। मुझे लगता है कि खाली अभी एक होगा, उसके बाद में कंपनी देखेगी रिस्पॉन्स, उसके बाद में अगला स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। दोस्तों आप ज़रूर अपना सजेशन देना इसके बारे में नीचे कॉमेंट में। अगला अपडेट भी स्मार्टफोन को लेके है, यहाँ पे मतलब ना स्मार्टफोन बहुत सारे फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, ऐसे में यूज़र बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन सा स्मार्टफोन खरीदें कौन सा ना खरीदें। तो
तो आप अपने बजट के हिसाब से ही फ़ोन को ख़रीदना दोस्तों। यहाँ पे जो अपडेट है, ओप्पो का फ़ोन है ओप्पो F11 Pro, और इस फ़ोन का एक ऑफिशियल टीज़र लीक हो गया, मतलब सामने आ गया है ऑफिशियली। और इस टीज़र में बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जो ट्रिपल कैमरा है 48 मेगापिक्सल के साथ में होने वाला है। यहाँ पे डिज़ाइन ग्रेडिएंट बैक वाला डिज़ाइन आपको मिलेगा, पूरा ही ग्लास बैक के साथ में ये डिज़ाइन आएगा दोस्तों इस फ़ोन का। बिल्कुल स्लिम बेजल्स हैं इस स्मार्टफोन की, और यहाँ पे विदाउट नॉच वाला डिज़ाइन है। जो इसका सेल्फी कैमरा है वो पॉपअप वाला कैमरा यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे पॉपअप का फैशन चल रहा है और नॉच धीरे धीरे गायब हो रही है। कहीं आपको होल पंच मिल रहा है, कहीं पॉपअप मिल रहा है। देखते हैं कि आने वाले टाइम में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ मिलती हैं इस स्मार्टफोन पे, और ये फ़ोन हो सकता है दो कलर में लॉन्च, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा बहुत हिंट दे दी है। यहाँ पे एक कलर हो सकता है इसका रेड और दूसरा कलर हो सकता है इसका ब्लू। देखते हैं कि कब ये लॉन्च होता है, क्या होती है इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग। वैसे तो ओप्पो जितने भी फ़ोन लॉन्च करता है, या फिर ओप्पो हो या फिर वीवो हो, प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा रहती है स्मार्टफोन की। हालांकि ग्लॉसी डिज़ाइन के साथ में आता है, थोड़ा सा यूनिक लुक होता है फ़ोन्स का, लेकिन प्राइसिंग भी ज़्यादा होती है। अगला जो अपडेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दुबई बेस्ड एक रिसर्चर हैं जिन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करा है जो हमारे हार्ट बीट को चेक करता है, बताता है कि ये रेगुलर है या फिर इरेगुलर है दोस्तों। और अगर इरेगुलर है तो उसका ट्रीटमेंट भी ये बताता है, उसके सॉल्यूशन को ये बताता है, और उसके इम्प्रूवमेंट को भी ये बताता है। काफ़ी अच्छी बात है। सॉफ्टवेयर का नाम है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैप, और ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छे से काम करता है। फ्यूचर में देखते हैं कि कौन कौन से और डेवलपमेंट होते हैं इस सॉफ्टवेयर में, और कैसे यूज़र का ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब स्पेशली ह्यूमंस का कैसे ये ट्रीटमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें बाद में ही पता चल पाएंगे। अभी तो ये डेवलप हुआ है। अगला अपडेट यहाँ पे रोबोट को लेके है, और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रोबोट है। फिलाडेल्फिया का एक बंदा है जिसका नाम है अभिषेक, उसने ये रोबोट को डेवलप किया है, और यहाँ पे इसका नाम है PQ रोबोट, PEEQO, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रोबोट है। ये क्या करता है, मतलब ग्राफिकल इंटरफेस के फॉर्म में रिजल्ट्स को देता है। मतलब जब भी हम कुछ पूछते हैं ना इस रोबोट से, या फिर ये GIF के फॉर्म में देगा, या फिर वीडियो फॉर्मेट में अपने रिजल्ट्स को देता है। रेसबेरी पाई सिस्टम पे ये बेस्ड है, उस पर ही बनाया गया है, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं दोस्तों। जैसे कि इसमें एक डिस्प्ले जोड़ा गया है जो कि यहाँ पे 4 इंच का टच स्क्रीन है, और वहीं पर आपको सारी चीज़ें दिखती हैं इसमें। मतलब साउंड भी आता है, ये माइक भी है इसमें, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे ये मतलब बताता है कि कैसे कैसे हमको रिजल्ट देना है। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि ओपन सोर्स कम्युनिटी बेस्ड ये सॉफ्टवेयर है। इस डिवाइस में कोई से भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें एडवांस चीज़ों को एड ऑन कर सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। जब भी आप कुछ पूछोगे ना तो एक इंस्टेंट रिजल्ट देता है ये। अगला अपडेट यहाँ पे यूरोप के कॉपीराइट रूल्स को लेके है दोस्तों। यहाँ पे वेब के लिए कुछ नए रूल ये बना रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं, रीराइट कर रहे हैं रूल्स को। आपको मालूम होगा पिछले साल भी इन्होंने कुछ रूल तैयार किए थे वेब के लिए, जहाँ पे अलग कंपनीज को बहुत इफेक्ट पड़ा था दोस्तों। अभी दोबारा से पार्लियामेंट में एक दोबारा से रूल तैयार कर रहे हैं, दोबारा से लिख रहे हैं उन रूल्स को, और यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं रूल। मतलब बताया जा रहा है कि जो गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसी कंपनीज हैं, उनको बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, और उनके लिए रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। काफी स्ट्रिक्ट ये रूल बताए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इन कंपनीज को यहां से हटना भी पड़ सकता है। देखते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट होते हैं रूल। सेक्शन जो 13 है, सेक्शन 11 है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है दोस्तों। यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है। जब से मतलब फेसबुक ने ये डेटा लीक वाले बात सामने आई ना, उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं वेब में। देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या चीज़ चेंज होती है, और बहुत ही जल्दी ये रूल अप्लाई होने वाले हैं। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट टेक अपडेट मैंने कवर कर दी है इस वीडियो में। आप जरूर नीचे कमेंट में बताना कि कौन सी टेक अपडेट आज की आपको सबसे बढ़िया लगी दोस्तों। अपना सजेशन ओपिनियन जरूर नीचे कमेंट में लिखना। आप क्या सोचते हो उस टेक अपडेट सीरीज के बारे में, वो चीज़ नीचे कमेंट में लिख सकते हो। आपका मेरे लिए कोई सजेशन है तो वो भी आप नीचे लिख सकते हो दोस्तों। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।